देश भर का दौरा करने के बाद स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था और विकसित भारत का सपना देखा था। इससे पहले उन्होंने प्रसिद्ध श्री भगवती अम्मन मंदिर में भी पूजा अर्चना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कन्याकुमारी के प्रसिद्ध विवेकानंद रॉक मेमोरियल में दर्शन और पूजा अर्चना करते हुए। ये बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ख़ास बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी में उसी स्थान पर ध्यान लगाने जा रहे हैं जहां देश भर का दौरा करने के बाद स्वामी विवेकानंद ने ध्यान लगाया था और विकसित भारत का सपना देखा था। और इससे पहले उन्होंने जो है ये दृश्य प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां उन्होंने दर्शन किए, पूजा अर्चना की, और ये ही प्रधानमंत्री की विशिष्ट शैली जिसमें विकास आध्यात्म साथ साथ। तो ये दृश्य कन्याकुमारी के प्रसिद्ध विवेकानंद रॉक मेमोरियल के, जहां पर प्रधानमंत्री ने दर्शन किए, पूजा अर्चना की, और इससे पहले प्रसिद्ध श्री भगवती अम्मन मंदिर में भी उन्होंने पूजा अर्चना की। तो संस्कृति और विकास कैसे चल सकते हैं साथ साथ, ये प्रधानमंत्री अपने व्यवहार से लगातार बताते हैं, अपनी जीवन शैली में उसे उतारते हैं, और उसी की एक झांकी यहाँ भी दिखाई देती है जब प्रधानमंत्री कड़े प्रचार अभियान के बाद यहाँ पर दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं, अर्चन करते हैं। ये दृश्य उस समय के जब प्रधानमंत्री ने दर्शन किए और पूजा अर्चना की। कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दर्शन किए हैं, पूजा अर्चना की है, और ये बेहद ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व का स्थान है जहाँ पर प्रधानमंत्री ने दर्शन किए हैं, पूजा अर्चना की है।